मलारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में पिपलिया मंडी नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डाक पोस्ट के माध्यम से चूड़ियां भेजी। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कोरोना बीमारी के दौरान सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं ने डाकघर पहुँच कर बंद लिफाफा कर चूड़ियां भेजी। दरअसल कांग्रेस लगातार प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना में विफल होने का आरोप लगाते हुए घेर रही है। इसी बीच मलारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में पिपलिया मंडी नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता खोकर ने नगर के डाकघर पहुंचकर एक लिफाफे में चूड़ियां भरकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए पोस्ट कर भेजी है। हाँ सर, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चूड़ियां इसलिए भेजी है कि अभी कोरोना काल में ना तो यहाँ ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवाएं हैं, और जो भी मतलब लोग कोरोना से मर रहे हैं उनको ये बताते हैं कि ये तो टाइफाइड से मर रहे हैं, और ना ही कोरोना पेशेंट को ये लोग कोई सर्टिफिकेट दे रहे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं राहत दे रहा हूँ, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी किसी भी मतलब उसको कोरोना पेशेंट को अपना सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, डेड सर्टिफिकेट। यहाँ लोग महामारी से इतने परेशान हैं, लॉकडाउन लग रहा है, ना ही किसी गरीब मजदूर व्यापारी किसी वर्ग को कोई राहत नहीं है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चूड़ियाँ दी है कि आप अगर आपसे सत्ता नहीं संभाली जा रही तो आप अपने घर बैठो, घर का कार्य करो और सत्ता दूसरों को दो। देखिए, कोरोना काल की दूसरी लहर में जिस प्रकार से कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी रही है। सरकार अस्पतालों में न बेड की व्यवस्था करा पाई, न ऑक्सीजन की व्यवस्था करा गई, और ना ही आवश्यक दवाइयां ही उपलब्ध करा पाई। और इसी को लेकर के महिला नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनिता जी खोकर ने आज यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जो है स्पीड पोस्ट से चूड़ियाँ भेज करके और शिवराज सिंह जी चौहान से कहा है कि आपसे सत्ता नहीं संभल रही है, आप घर पे बैठ जाए। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।